को जैसा कि पता था, हम लोग 4 मई से लगातार आरआरबी पटना महेंद्र घाट में अमरा नानसन पे बैठे हुए हैं और आज हम माननीय रेल मंत्री भारत सरकार अश्विनी वैष्णव जी को ये अगरबत्ती जो है जो कि बिहार के पटना में है वीरों की भूमि, यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं और ये जो फूल माला वगैरह हम लोग चढ़ा रहे हैं, तो आप माननीय रेल मंत्री जी अगर सोए हुए हैं, अगर ये अगरबत्ती की सुगंध आप तक दिल्ली पहुंच रही है तो आप जल्द से जल्द जाग जाएं। ये जो आप नोटिस निकाले थे 14 मई को, उस नोटिस को भारतीय रेलवे के 17 जनरल जोनल रेलवे जीएम पीसीपीओ सीपीओ एवं आरआरबी के जीएम चेयरमैन वगैरह मानना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश होगी, हम लोगों ने जो इतना प्रयास किया, इतना मेहनत किया है, तो उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। हम लोगों का सारा स्टेज का मेडिकल टीम सारा प्रक्रिया हो गया है और रेलवे में पद भी खाली है, हमने जवाब दिया है 3 लाख पद खाली है, तो इनमें से हम लोग 8 से 10 हज़ार होंगे 2100 बोर्ड मिला के, तो हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे। और जो नहीं मान रहे तो उन सभी अधिकारियों पर आप एक सख्त नोटिस निकालिए कि आप लोगों को ये बात मानना भी होगा और हम लोग फूल माला चढ़ाएंगे अगर से हमें फूल दिया जाए। आप लोग फूल जाए फूल जाए ना फूल जाए ना आप सभी आइए, ये चढ़ाइए, ये हमारे जिंदगी के पालनहार यही हैं, इनके ही हाथों में हमारी दोनों और हम लोग चढ़ा के चढ़ाएंगे। मीडिया एवं सभी टीचर से भी कहना चाहेंगे, अगर आप तक हमारी ये बात पहुंच रही है एवं साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप गर्ल्स हो या फीमेल हो, भारत के किसी भी बोर्ड में किसी भी कोने से, आप लोग जल्द से जल्द आरआरबी पटना महेंद्र घाट सोमवार से आ जाए। हमारा ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसी तरह से हम लोगों का कार्यक्रम, फिर सोमवार को हम लोगों का चाय का स्टॉल लगेगा, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है और जरूरत पड़ेगी तो जैसा भुवनेश्वर में हुआ है, वहाँ बच्चे कम होने के साथ उनके साथ अन्याय हुआ जो वो लोग भाग रख रहे थे, तो वैसा काम हम लोगों को करेंगे या NTPC का जैसा भी करना होगा तो करेंगे, लेकिन हम लोग 20 दिनों के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, रेलवे के जितने भी अधिकारी का आप लोगों को हमारी दर्द सुनना है वो सुननी चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों किया है जो हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बातों पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन क्यों नहीं रहे धरे तो इधर, तो आप लोग उम्मीद है कि सोमवार से हमारे साथ रहिएगा, हमें समर्थन दीजिएगा, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि 7-8 जोनल रेलवे में आप लोगों को डायरेक्ट मना कर दिया गया है, तो हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, आप किसी भी बोर्ड या किसी भी जोनल रेलवे को मत जाइए, सभी लड़के पटना आइए, यहीं से कुछ हो सकता है, आप अपने बोर्ड जाकर कहीं ना कहीं अपने पैसे के साथ साथ समय भी खर्च कर रहे हैं, अपना एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मेडिकल फिट को जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो, मेडिकल फिट को जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो, मेडिकल फिट को जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो, नहीं सर, हाय हाय, आरआरबी हमारी लाइफ बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो, आरआरबी हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो, आरआरबी हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। ये वीडियो CN नंबर 1/2018 में जो रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी ALP और टेक्नीशियन का, जिसका अभी 4 साल होने जा रहा है और इन लोग का CVT 1, CVT 2 और चिकित्सा जो जांच होती है वो भी हो गया है, बट अभी तक रेलवे के द्वारा इन लोग का ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण ये वैष्णव जी का फुल आमंत्रित करके उनको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जागें और अपने जो GM और CPO के द्वारा
14/5/2022 को जो नोटिस निकाले हैं उन पर काम करने के लिए ध्यान दीजिए, करने के लिए लोग इस तरह का कदम उठाए हैं ताकि सोई हुई जो जीएम हैं, सीपीओ हैं इनके, रेल मंत्रालय के, वो जागें और बच्चों को वेटिंग लिस्ट में जो हैं उनको वेटिंग क्लियर करने का आश्वासन दें, क्योंकि ये लोग बच्चे 4 साल से वेटिंग कर रहे हैं। रेलवे वेटिंग का एक कैंडिडेट है जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई थी और यह वीडियो महेंद्रू घाट पटना से बनाया जा रहा है। वेटिंग के टेक्नीशियन कैंडिडेट हैं जो रेलवे में अपना योगदान देना चाहते हैं। इनकी सारी परीक्षाएं हो चुकी है, यहां तक कि मेडिकल भी फिट है ये लोग, फिर भी सरकार इन लोग का 4 साल से ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जिसके कारण ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के महेंद्रू घाट ऑफिस के सामने कर रहे हैं, ताकि रेल मंत्री को ये वीडियो के माध्यम से पता चले कि बच्चे कितने कष्ट में हैं और इन्हें रेल में नौकरी या योगदान देने का मौका दें। जो आपने 14/5/2022 को नोटिस निकाला था उनको पर जीएम सर, सीपीओ सर, पीसीपीओ सर नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो देना नहीं चाह रहे हैं बच्चों को। क्या पता रेल मंत्रालय के नोटिस को भी लोग जीएम और सीपीओ अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि जीएम और सीपीओ सर इनके लिए कुछ किया जाए, इनको इंडेंट पैनल या तो वेटिंग क्लियर करके कहीं पर इनको जॉब दिया जाए। जन्म के दुख सहाब अंत काल रघुपर पुर जाय, जहां जन्म हर भक्त कहाय और देवता चित्त धराय, हनुमत से सब मुस्त रहे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत हरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिनाय, जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साधी गौरीसा, तुलसी सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तने संकट हरण मंगल मूरति हो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। मेडिकल फिट को 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 ज्वाइनिंग दो यार थी दो 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 जीएम सर का हाय है जीएम सर हाय 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 जीएम सर हाय 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 हाय।